दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे यार आप सब लोग? भाई आज मैं आ चुका हूँ यार आप सभी के बीच में लेके स्लीपिंग बैग। तो दोस्तों, आखिर यही आपको स्लीपिंग बैग क्यों कंसीडर करना चाहिए और आखिर इसमें ऐसा क्या खास होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। भाई स्लीपिंग बैग तो आपको ना काफ़ी सारे वैसे भी आफ्टर मार्केट वगैरह, ऑनलाइन डीकैथलॉन वगैरह, ऑनलाइन साइट्स वगैरह पर मिल जाते हैं, 1000 वगैरह जितना भी आपका बजट रहता है। दोस्तों आखिर आपको यही क्यों बताने वाला हूँ, यही क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि ये वाला स्लीपिंग बैग गाइस मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता पाऊँगा समर विंटर सभी सिचुएशंस में इसने कैसा साथ दिया है। तो दोस्तों सारी वीडियो हम आपको दिखाते हैं और चलते हैं, आपको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यार खोलने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे स्लीपिंग बैग मिल जाते हैं, बट काफ़ी सारे स्लीपिंग बैग्स में ना कवर में कुछ कुछ अलग चीज़ें होती है। तो इसमें क्या खास चीज़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके साइड के पकड़ने के जो है ये ट्रैकिंग वगैरह के जो भी बैग्स आते हैं, तो उसमें यार अलग से ना इसको बांधने के लिए दिया होता है, तो उसमें यार काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे हम बाइक वगैरह पे ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसमें काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि इसको बांधना, इसके अंदर से आप बंजी रोप वगैरह लेके बांध सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी भाई मेरी पिछली वाली वीडियोस, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं किस तरह से बांधता हूँ यार मैं, और आप भी देख सकते हैं उसी तरह से। तो चलिए देखते हैं इसको निकाल के कैसा होने वाला है। दोस्तों फिलहाल इसको रखते हैं भाई थोड़ी देर साइड में, और जिसको भी लेना हो मुझसे भाई 150 रुपये पेटीएम कर सकता है, तो इसको रख देते हैं साइड में। तो ये है गाइस फाइनली कुछ हमारा स्लीपिंग बैग। तो ये आप देख सकते हैं इसकी विड्थ, हाइट वगैरह सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ज़्यादातर ना कैंपिंग बैग में यार दो शिकायतें रहती हैं, एक तो साइज़ वगैरह की, और दूसरी शिकायत होती है चैन वगैरह की, क्योंकि स्लीपिंग बैग में ज़्यादा कुछ मटेरियल होता नहीं है, क्योंकि खींचने वाला कपड़ा वगैरह होता नहीं है ये, तो इसमें फटने वगैरह का कोई चांस होता नहीं है। तो आपको एक बार चैन की भी ना क्वालिटी दिखाता हूँ, इसमें कितनी बढ़िया चैन की क्वालिटी होने वाली है। तो जैसा कि यार आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे भाई ये इंडियन चैन होती है, क्योंकि चाइनीज वगैरह चैन आती है उसके ऊपर यहाँ पे कवरिंग वगैरह होती है, तो उसमें ना दिक्कत ये आती है, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह अगर थोड़ा सा भी स्नो वगैरह का चला जाता है तो वो चैन हो जाती है थोड़े टाइम के लिए ख़राब। तो आपको दिखा देता हूँ ये कैसा है। ये आप देख सकते हैं चैन भी ना काफ़ी मोटी है, और इसके अंदर आपको मिलती है एक ही डबल चैन, जैसा कि अगर आपको दिख रहा हो। तो ये दूसरी वाली चैन किस लिए काम आती है, आप दूसरी चैन जो देख रहे हो ये आती है दूसरे वाले स्लीपिंग बैग के लिए। तो इसमें जो खास होने वाला ना यार, ये होता है डबल लेयर स्लीपिंग बैग है, और ये आपको किस रेट में पड़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ भाई 1500 रुपये में आने वाला है ये वाला स्लीपिंग बैग आपको। तो आप देख ही सकते हैं यार, इसके अंदर दो लेयर आती है। सबसे पहले लेयर में आपको फर वगैरह मिलती है, तो अगर आपको दूसरी लेयर वगैरह दिखाऊँ तो यहाँ से आप डिटैच कर सकते हैं इसको, और ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी आपको लेट के दिखा देता हूँ कि इसका साइज़ कितना होने वाला है, 5'10" की अगर मेरी हाइट है तो आपकी हाइट पर कितना पड़ने वाला है, तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल देख सकते हैं आप, तुम्हारा भाई हो चुका है फिलहाल पूरा पैक, और आपको दिखा देता हूँ अगर करवट वगैरह भी लेते ना तो कैसा होने वाला है, तो दिखाते हैं यार आपको। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भाई मुड़ने वगैरह में कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल कंफर्टेबल होने वाला है यार, और मन मेरा ऐसा कर रहा है कि फिलहाल मैं यहीं सो जाता हूँ और अपने कैमरा मैन को कर देता हूँ टाटा बाय बाय। ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना मम्मी बन गया हूँ मैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यार, इसमें आप ना पैर वगैरह फोल्ड भी कर सकते हैं ईजिली, और गाइस इसमें ना आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा यार किस तरह का होने वाला है और क्या साइज़ होने वाला है। मेरी हाइट है यार 5'10" है, और 5'10" के हिसाब से आपको कैसा पड़ने वाला है। इसमें ना मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ ना, तो 6 फीट तक के अगर आपकी हाइट है तो आप आराम से इजीली आ जाएंगे, और अगर आपके साथ कोई आपका पार्टनर वगैरह है और थोड़ा बजट भी टाइट है, और अगर आप नॉर्मल जगह पर जा रहे हैं स्नो वगैरह में जहाँ पर टेम्परेचर -5 तक है, तो -5 वगैरह में भी दो के लिए काफ़ी है। बाकी यार अगर आपको मैश दिखाऊँ ना, तो ये मैश जो है ना ये वाटरप्रूफ होने वाला है। जैसे अगर आपने मेरी स्नो वगैरह वाली कैंपिंग की जो मेरी सिसु वाली वीडियो थी, तो अगर आपने वो वाली नहीं देखी ना, वो भी मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ना इस पर थोड़ी थोड़ी स्नो गिरी थी, लेकिन इस पर भाई कोई भी असर नहीं हुआ। अंदर मैं और मेरे फ्रेंड वगैरह ने अलग अलग तरह से इसको यूज़ किया था, तो बिल्कुल भी स्नो वगैरह नहीं गई। बाकी आप देख ही सकते हैं इसकी जो फर की क्वालिटी है ना गाइस, अगर आपको यहाँ से भी मैं दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो गया, लेकिन भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों अगर आपको फर की भी क्वालिटी दिखाऊँ ना, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ होने वाली है। एक और क्वालिटी आती है इसमें ना, जो कि थोड़ा इरिटेशन करती है, जिसमें चुभन वगैरह होती है, तो वो वाली बिल्कुल नहीं होने वाली। और ये अगर आप फर देखो ना, तो बिल्कुल भी निकलने वाली नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लीपिंग बैग्स जो आते हैं उसकी जो होती है ना, मैक्सिमम में क्या कंप्लेंट होती है, उसकी फर निकल जाती है, तो वो धीरे धीरे हल्का हो जाता है। बाकी यही लेयर ना आपको एक लेयर अंदर मिलती है, ये वाला जो अंदर का साइज है गाइस वो थोड़ा बड़ा आता है,
तो दोस्तों अभी ना अगर बात करूँ मैं कि आपको किस किस लोगों को लेना चाहिए, तो अगर आप देखो कपल वगैरह जा रहे हैं, आपने सिर्फ सिंगल फ्रेंड वगैरह के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि एक ही प्राइस में आपको दो मिलने वाले हैं। तो और दूसरी वाली अगर मैं बात करूँ कि अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं अपना कैंपिंग वगैरह का कोई सेटअप वगैरह, अगर ट्रिप्स वगैरह करते हैं, तो उनको भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि देखो आपको ना काफ़ी सारे स्लीपिंग बैग भी मिल जाएंगे, डीकैथलॉन वगैरह में भी मिल जाएंगे, बट इसकी जो क्वालिटी है और यूज़ है ना, इस पर देखो गाइस -30 लिखा होता है, लेकिन ये -30 होता नहीं है, -20 या -25 भी नहीं होता, -20 तक ये काम कर जाता है अगर आप दोनों लेयर इसकी यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर आप सिंगल लेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आपका -10 में दो बंदे इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो करते हैं हार्डकोर कैंपिंग वगैरह, जिनको -25 से ऊपर जाना होता है, जैसे विंटर स्पीति में अगर आप फरवरी वगैरह के टाइम में जा रहे हैं, तो -30 से ऊपर चला जाता है वहाँ पे टेम्परेचर, तो वहाँ पे ये स्लीपिंग बैग काम नहीं आने वाला, ये आपका काम आ जाता है मनाली तक में। और अगर आप स्पीति के नवंबर दिसंबर तक में जा रहे हैं या मार्च वगैरह के बाद, तो भी ये काम आ जाता है। मतलब बेसिकली काम ना इसका एक है, अगर -20 से नीचे तक का है, और अगर आप एक सिंगल पर्सन है जो कि सोलो राइड वगैरह करते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। तो दूसरे की अगर हम बात करें, तो दूसरा होता है इसका बजट। 1500 में सिर्फ ये एक लोता ऐसा कैंपिंग टेंट है, जो कि कंपनी के साथ साथ और बहुत बढ़िया चीज़ आपको, बहुत बढ़िया फील आपको प्रोवाइड करता है। और दूसरा है कि ये मम्मी शेप में आता है, तो आपको इतना ना इसको कैरी करने में भी इतना मुश्किल नहीं होती। तो देखो आपको ना काफ़ी सारे स्लीपिंग बैग और भी मिल जाते हैं, लेकिन जो मैंने इसकी फर की जो क्वालिटी देखी है ना, इसकी फर की क्वालिटी आपको जैसे आप नाइट वगैरह में स्लिप करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल चुभने वाली नहीं है, तो आप इसलिए भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी बहुत बजट फ्रेंडली है, तो यार आप देख ही सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसका ना छोटा भी आता है, जिसमें आपको सिर्फ सिंगल लेयर मिलती है। तो दोस्तों यार फिर मिलते हैं आपसे ऐसी अनदर वीडियोज़ के साथ। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और जो करने वाले हैं विंटर कैंपिंग में, उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे अनदर ब्लॉग में। Fearless.